पहले काली घटाएं छाईं, फिर बरसने की बारी आई। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों पर कुदरत मेहरबान। ईद से एक रोज पहले बादल जमकर बरसे। अटक, पिंडी भटियां, नारोवाल में धुआंधार एंट्री। मौसम का हाल बताने वालों ने तीन रोज तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 5.25 हो गई। 24 घंटे में 2145 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस से मजीद 37 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मजमूई अमवात 22848 हो गई। काड़ा में कौमी शाहरा पर मुसाफिरों से भरी बस टायर फटने के बायस मोटरसाइकिल पर उलट गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार और तीन मुसाफिर जान बहक हो गए। मेहरान हाईवे बांधी के करीब दो कारें टकरा गईं। तीन अफराद जान से गए, पांच अफराद जख्मी। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा अदा कर दिया गया। मुज़दलिफा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद हुज्जाज जमरात रवाना। शैतान को कंकरियां मारी जा रही हैं। कुर्बानी होगी सर के बाल मुंडवा कर। हुज्जाज तवाफ ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा अदा कर दिया गया। पाकिस्तान में मकीम अफगान महाजरीन आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। जिला महमंद, चारसदा, शबकदर और दीगर इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमाआत। अफगानिस्तान में कोई नया तनाजा पाकिस्तान के मफाद में नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात से ही अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ल्मे ख़लीज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, महफूज और पुरअमन मगरबी सरहदें पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी को अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से आगाह किया। तकरीबन हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी है, तो वो जो एक तासर दरमियान में आया था वो हमारे एविडेंस के मुताबिक वो साबित नहीं होता, और हमने मिनिस्टर फॉरन अफेयर्स को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने नोट बर्बाद भी भेजा है कि हमें उनकी मजीद असिस्टेंस की जरूरत है, कि कुछ अगर चीज़ें ऐसी हैं विच नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन, तो वो उनकी असिस्टेंस उनके साथ बैठ के एविडेंस देख के हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। F7 से राणा मार्केट, राणा मार्केट से खड्डा मार्केट, वहां से रावलपिंडी सदर, फिर वापस इस्लामाबाद दामनेको और दामनेको से F9 पार्क। 16 जुलाई को सफीर की बेटी कहां से निकली, कहां कहां गई, कितनी टैक्सियां बदली। IG इस्लामाबाद ने सब कुछ सामने रख दिया। बताया, रूट का सुराग लगाने के लिए 300 से ज्यादा कैमरों की स्क्रूटनी की, 220 से ज्यादा लोगों से पूछगछ की। हमें कई मामलात में एक्सेस दरकार है, उनका तावन दरकार है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने सुबह इजहार फरमाया है उसी जज्बे को, ताकि इस बात की तह तक पहुंचा जाए, वो हमारे से तावन करेंगे और तशरीफ लाकर इस बात को आगे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अफगान सफीर की बेटी के मुबीन अखवा की तफ्तीश अफगानिस्तान और पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, मुजरिमों को बेनकाब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की मुशीर कौमी सलामती और IG इस्लामाबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सेक्रेटरी ख़ारजा ने अफगान सफीर और उनकी साहबजादी को तावुन की यकीन दहानी कराई। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स चला रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली। ने 48 घंटे में सारा केस इन्वेस्टिगेट करके उनको भी भेज दिया, फॉरेन ऑफिस को भी भेज दिया। हमारे जिम्मे जो इन्वेस्टिगेशन लगी थी वो हमने मुकम्मल कर दी। दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हो जाती है और तुम मुंह देखते रह जाते हो, और बजाय इसके कि तुम्हें उसके बाद कोई शर्म आए, तुम अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका क्योंकि मैं सरकारी खर्चे पर आजाद कश्मीर में आकर वोट मांग रहा था। मरियम नवाज किसकी जबान बोल रही हैं? अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा पर गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी।
रियासत से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं दिन दहाड़े सफीर की बेटी अगवा हुई, माफी मांगने के बजाय बयानात आ रहे हैं, वो अकेली थी, टैक्सी में थी इसलिए अगवा हुई। दासू डैम वाकये पर नुक्ताचीनी करती रही, दावा किया चीन ने सी पैक पर काम बंद कर दिया है। हम आम के लिए काम कर रहे हैं, मकासद के हुसूल में साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुस्तहकम रहने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी सफीर से गुफ्तगू। सिपा सालार ने चीनी शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, कहा पाक चीन स्ट्रेटेजिक तावन को दरपेश खतरात से निपटेंगे। आर्मी चीफ और चीनी सफीर का खत्ते में अमन इस्तेकाम के लिए हम आहंगी की जरूरत पर इत्तेफाक। भारत की हमेशा की तरह फिर बुजदिलाना साजिश, पाकिस्तान ने फिर बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना अरकान के फोन हैक करके कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड किए जाने का इंकशाफ। जासूसी के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, दुश्मन की डिजिटल जासूसी का तोड़ करने के लिए सिविल और अस्करी क्यादत की बैठक, हसास ओहदों पर फायज शख्सियात के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर अमीन उल हक कहते हैं वजारत आई टी ने डीप पाकिस्तान के नाम से खसूसी और महफूज एप्लीकेशन तैयार कर ली। मोदी सरकार ने अपनों को भी ना बख्शा, इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए वज़रा सहाफियों और ताजरों के फोन हैक किए गए, खबर लीक हो गई। भारत में हंगामा खड़ा हो गया, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और भारतीय सहाफियों ने शदीद एहतजाज किया, आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फैटफ को मुतमईन करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिले कदर हैं, अमरीका पाकिस्तान के इकदामात का मोतरफ। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेट प्राइस कहते हैं पाकिस्तान के फैटफ से तावन की हौसला अफजाई करते हैं, 27 में से 26 नुकात पूरे कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। भारतीय वजीर खारजा ने फैटफ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का एतराफ कर लिया, दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द अमल दिया, कहा दुनिया ने सच जान लिया, भारत ने टेक्निकल फोरम की साख को दाव पर लगा दिया, पाकिस्तान पर धोखेबाजी से दबाव डालने की कोशिश ना पहले कामयाब हुई ना ही आइंदा होगी।